नेक्स्ट स्टेप यह है कि हम हिंदू होना चाहते हैं और हमें योगी जी माननीय मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है, क्योंकि ये सब समाजवादी के गुंडे हैं। ये मोहम्मद परवेज भी समाजवादी का गुंडा है बहुत पुराना, और ये हमारे पापा हैं वो भी समाजवादी की ही विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो इतना जुल्म ज़्यादती हम पे कर रहे हैं। लिहाजा अब हम हर मौजूद आदमी से गुहार लगा के देख चुके कि भाई हमारी मत। मैं यही कहना, वो धर्म कोई भी अख्तियार करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई भी धर्म अख्तियार करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मगर मेरा पीछा छोड़ दे। देश में एक बार फिर धर्म परिवर्तन का जिन चिराग से बाहर आ गया है। दरअसल मुरादाबाद के कटहर थाना इलाके की रहने वाली एक मुस्लिम दंपति ने अपने परिजनों और पुलिस की ज्यादतियों से परेशान होकर हिंदू धर्म अपनाने की बात की है। इसके साथ ही उसने सीएम योगी से न्याय की गुहार भी लगाई है। मुस्लिम दंपति का कहना है कि उनका विश्वास मुस्लिम समाज के उन संगठनों से उठ गया है जो मुसलमानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। AIMIM के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद रुवेद शाबिर और उनकी पत्नी समीना प्रवीण ने मुरादाबाद SSP के सामने पेश होकर न्याय की गुहार लगाई है। इसके साथ ही इंसाफ न मिलने पर धर्म परिवर्तन करने तक की बात अपने पत्र में लिखी है। साथ ही दोनों ने कैमरे के सामने आकर हिंदू धर्म में आस्था जताते हुए धर्म परिवर्तन की बात दोहराई है। नेक्स्ट स्टेप यह है कि हम हिंदू होना चाहते हैं और हमें योगी जी माननीय मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है, क्योंकि ये सब समाजवादी के गुंडे हैं। ये मोहम्मद परवेज भी समाजवादी का गुंडा है बहुत पुराना, और ये हमारे पापा हैं वो भी समाजवादी की ही विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो इतना जुल्म ज़्यादती हम पे कर रहे हैं। लिहाजा अब हम हर मौजूद आदमी से गुहार लगा के देख चुके कि भाई हमारी मत। वो क्या है, मैं हर मुसलमान जितने भी बड़े लोग थे उन सबको बैठा चुकी हूँ, हर किसी के पास जा चुकी हूँ। हर कोई ये कहता है अगर हम तुम्हारा साथ देंगे तो हम पे भी झूठे मुकदमे होंगे, क्योंकि जो हमारी मदद के लिए आगे बढ़ता है उसको धमकी देते हैं कि अगले मुकदमे में तुम्हारा नाम होगा। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, तो फिर ऐसा समाज किस काम का, ऐसा मज़हब किस काम का। हर कोई पीछा हट जाता है, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा कहीं पर भी, तो फिर हमें धर्म परिवर्तन ही तो करना पड़ेगा। हम करेंगे फिर, जहाँ हमारी कोई नहीं सुन रहा, अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, घर पे महीनों से लाइट नहीं है, बेघर हुई पड़ी हूँ, कोई पुलिस वाला नहीं सुन रहा, कहीं पे कार्रवाई नहीं हुई, कितनी एप्लीकेशनें दे दी, 100 एप्लीकेशनें हाथ से लिख लिख कर दे दे के मैं थक चुकी हूँ। मोहम्मद रुवेद और उनकी पत्नी समीना परवीन का आरोप है कि रुवेद की बहन बहनोई ने फर्जी मुकदमों में उन्हें फंसा दिया है और इस साजिश में उनके पिता भी शामिल हैं। दंपति का कहना है कि उन्होंने उन्हें संपत्ति से अलग करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत झूठे मुकदमे में फंसाकर परेशान किया जा रहा है। अब वो थक हार कर मुस्लिम संगठनों और धर्म गुरुओं के पास मदद के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां भी कोई मदद नहीं मिली। अब हम थक चुके हैं, इतने फर्जी मुकदमे हो चुके हैं कि पुलिस को अपनी गुहार लगाते लगाते अपनी दास्तान सुनाते सुनाते हम थक चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। हर आदमी इन्हें बुलाता है, ये पैसों का लालच देते हैं और मामले को वहीं रफा दफा कर दिया जाता है। जैसे आप और हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं कि सांस लेने तक का भी एक ज़रिया नहीं है, जो हमारे बेसिक राइट हैं कि किराएदार से भी आप बिजली और पानी का अधिकार नहीं छीन सकते, हमें उन अधिकारों तक से वंचित कर दिया गया है। हमारा जो बहनोई है मोहम्मद परवेज, वो एक अधिवक्ता है और वो अपनी वकालत के बल पर गुंडाई दिखाता है। इनफैक्ट हमें कचहरी तक में पैरवी नहीं करने देता है। वो कहता है कि मैं वकील हूँ, तुम्हारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी, और ये हकीकत भी है कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती। जो खुद 313 का मुलजिम है मोहम्मद परवेज़, वो एक क्रॉस FIR कराता है सिविल लाइन थाने से 307 की, उसकी 307 के FIR में पुलिस हम पे दबिशे मारती है और उसे रिलीफ देती है। ये पुलिस का रवैया है, महिला थाने की जो पुलिस है वो ये उसका रवैया है। वो क्या है, मैं हर मुसलमान जितने भी बड़े लोग थे उन सबको बैठा चुकी हूँ, हर किसी के पास जा चुकी हूँ। हर कोई ये कहता है अगर हम तुम्हारा साथ देंगे तो हम पे भी झूठे मुकदमे होंगे, क्योंकि जो हमारी मदद के लिए आगे बढ़ता है उसको धमकी देते हैं कि अगले मुकदमे में तुम्हारा नाम होगा। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, तो फिर ऐसा समाज किस काम का, ऐसा मज़हब किस काम का। हर कोई पीछा हट जाता है, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा कहीं पर भी, तो फिर हमें धर्म परिवर्तन ही तो करना पड़ेगा। हम करेंगे फिर, जहाँ हमारी कोई नहीं सुन रहा, अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, घर पे महीनों से लाइट नहीं है, बेघर हुई पड़ी हूँ, कोई पुलिस वाला नहीं सुन रहा, कहीं पे कार्रवाई नहीं हुई, कितनी एप्लीकेशनें दे दी, 100 एप्लीकेशनें हाथ से लिख लिख कर दे दे के मैं थक चुकी हूँ। वकीलों को लेके जाके वकीलों का दबाव बनाते, मैं जहाँ थाने में जाती हूँ गुहार के लिए, वकीलों की वो
पूरी फौज लेके पहुंच जाते हैं और वहां पे सबका दबाव बनाते हैं। मेरी कोई पुलिस वाले ने सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा। मैं एसएसपी के पास गई, डीआईजी के सर के पास गई, हर थाने में जाके हूँ, कटघर थाना, महिला थाना, कौन सा थाना है जहाँ पे मैं नहीं गई हूँ, कितनी एप्लीकेशन है, मैं 100 एप्लीकेशन लगा चुकी हूँ, कहीं पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब बताइए क्यों, आखिर ऐसा कौन लोग हैं, कौन कर रहे हैं? मेरी नंदों ने घर पे कब्जा कर रखा है, मेरे सास के इंतकाल के बाद मेरे नंदोइयों ने कर रखा है। मेरे ससुर को लालच देती दूसरी शादी करा देंगे, वो दूसरी शादी के लालच में पागल हुए पड़े हैं, वो चाह रहे हैं बस शादी हो जाए किसी तरह, ये हम छोड़ के चले जाएं घर बार। इतना ही नहीं, अब उन्होंने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले में दंपति ने एक पत्र मुरादाबाद के एसएसपी को सौंपा है, लेकिन अब इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। इस पूरे मामले में अब रुवेद के पिता साबिर हुसैन का बयान सामने आया है। साबिर हुसैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रुवेद की मां का इंतकाल हो गया है, मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी रजिस्टर्ड वसीयतनामा 60 गज जमीन अपनी बेटियों के नाम कर दी है और मेरे मरने के बाद बाकी की जमीन भी मेरी बेटियों के नाम ही हो जाएगी। ऐसे में अब रुवेद अगर धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो कर सकता है, हमको कोई आपत्ति नहीं है। मैं यही कहना, वो धर्म कोई भी अख्तियार कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई भी धर्म अख्तियार कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मगर मेरा पीछा छोड़ दे। इस कदर इन्हें मतलब मेरी घर वाली का इंतकाल हो गया और वो रजिस्टर्ड वसीयतनामा, रजिस्टर्ड आगनामा वो मतलब वसीयत कर गया अपने लड़कियों के नाम ने, मैंने भी लड़कियों का नाम कर दिया। जीते जी तो मतलब मैं मालिक, बाद में वो मालिक, वो मर गई, उनका आधा हिस्सा तो उनका हो गया। प्रॉपर्टी का 120 गज मकान है, ये 60 गज उनका हो गया, 60 गज मेरा बचा। मैं बेटे को देना चाहूँ या नहीं देना चाहूँ, ये बात की बात है जी। तो कब से विवाद चल रहा है? ये तो काफ़ी टाइम हो गया साहब, कई साल हो गए, और ये तरह तरह मुकदमे डालता रहता, ये तरह के मुकदमे डालता रहता है, कभी कोई सा, कभी कोई सा, कभी कोई सा, इसलिए खाली नहीं जाता। इसका हमेशा यही रहा, जब देखो कचहरी कि आज ये मुकदमा डाल दिया, आज वो मुकदमा डाल दिया, यही करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। वहीं उसके पिता ने अपने बेटे पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। रुवेद के पिता का कहना है कि रुवेद चाहता है कि मेरी मौत के बाद मेरी पूरी जमीन उसकी हो जाए। वजह यही है साहब, इसकी मकान की है, पर उसके मुझसे कमाना तो आता नहीं, उससे न जिंदगी में उन्हें कभी कमाया, कुछ नहीं कमाया सिवा सोने के अलावा। उसने पूरे मोहल्ले से पूरी सबसे तस्दीक कर सकते हो कि साहब इनका बेटा तो है, वो क्या था, क्या था भैया? उन्होंने दहेज का भी आरोप लगाया। हाँ लगाया, वो तो सब चीज़ का लगा रहा है, वो तो जेवर का भी लगा रहा, चीज का ले रहा, मतलब बलात्कार का भी लगा रहा, हर वो तो हर पैतरा खेल लिया जो उससे खेला जा रहा। मगर कुदरत तो ऊपर बैठी है, इंसाफ करने वाला तो वो है, वो करेगा इंसाफ, और इसका मतलब भी दिखाएगा इसको, अगर हमारे साथ कितनी जाति कर रहा है, जाति करता रहे, एक दिन ये खुद पछताएगा। अब इस पूरे मामले में आपसी घरेलू विवाद निकलकर सामने आ रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या ये मामला सुलझता है या फिर रुवेद और उसकी पत्नी धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। आने वाले दिनों में जो भी हो, लेकिन फिलहाल ये मामला इन दिनों मुरादाबाद के लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुरादाबाद से मुजमिल दानिश की रिपोर्ट।